स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद जाकिर नगर वार्ड से सोहेब दानिश साहब। आज हम उनसे बात करेंगे, प्रोग्राम कैसा चल रहा है, उनका प्रचार कैसा चल रहा है, कैंपेनिंग कैसा चल रहा है, किन से उनका मुकाबला है। सोहेब भाई, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, मैं जानना चाहूँगा कि कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम और जो कैंपेनिंग चल रहा है MCD का इलेक्शन का। कांग्रेस से टिकट मिला है आपको, उसके बाद आपके मुकाबले में तीन लोग हैं, एक BJP से है, एक मजलिस से है और एक आम आदमी पार्टी से। किससे आप मुकाबला समझते हैं, आपका मुकाबला है? मुकाबला है तो जनता बताएगी, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो लड़ रहा हूँ इलेक्शन, पहले भी लड़ता रहा हूँ हमेशा। हम जो है फील्ड के अंदर रहते हैं, इसलिए मुकाबला का कोई है नहीं। मुकाबला मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आवाम के बीच में हमें रहना चाहिए और हम रहते हैं, पूरे 5 साल रहते हैं और चुनाव में इतना हमें मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर ये बातें होती है कि सोहेब दानिश साहब जब से 15 साल से काउंसलर हैं, वो लास्ट 6 महीने में एक्टिव होते हैं, जो 4 साल वो एक्टिव ही नहीं होते हैं, कोई काम नहीं करते, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं होता है इलाके में खासकर। आपके पास कोई सबूत है 6 महीने से पहले का? मैं आपको दे दूँ सबूत? इल्ज़ामात तो अपोजिशन का काम है लगाना, हमारा काम है काम करना। मैं आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने अभी सब सबूत आपको दे सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अपोजिशन का काम है करना, बदनाम करना, इसमें कोई वो नहीं। कल एक बात और भी आई अमरतुल्ला की एक स्पीच में कि सोहेब दानिश साहब तो हमेशा बोलते हैं मेरा लास्ट सिलेक्शन, लास्ट ईयर उन्होंने बोला था लास्ट सिलेक्शन है, फिर इस बार क्यों लड़ रहे हैं वो? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि तुम केजरीवाल को लड़ा दो यहाँ से, मैं चैलेंज करता हूँ और तुम लड़ लो। मैंने उनसे रात भी यही कहा था, तुम लड़के दिखाओ ना, घर से लड़ाते अपने। मैंने तो नहीं कहा उनसे कभी भी मेरा लास्ट इलेक्शन है। अगर जनता का प्यार मुझे मिलता रहेगा, आवाम अगर मुझे चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं चाहेगी तो नहीं लड़ूंगा। उन्होंने चुना है ना मुझे, अमानतुल्लाह तो नहीं चुना। अमानतुल्लाह ने तो ऐसे लोगों का साथ दिया है, ऐसे लोगों का साथ देते हैं वो, मुझे जनता चुनती है, मैं उनसे क्यों पूछूंगा भाई? और वो होते कौन है कहने वाले? वो अपना चुनाव देखें, उनकी ज़मीन खिसक गई है नीचे से। आज तक कोई MLA, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे वो मरकज़ हो, कोई MLA मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमानों की बात करने के लिए तैयार नहीं। छूट के अलावा डेवलपमेंट आप देख लीजिए, क्या डेवलपमेंट कराया उन्होंने? जो बजट हमने लाके दिया था, शीला जी ने हमें दिया था, वो हमसे कहते हैं कि 15 साल में क्या किया हमने? हर कॉलोनी के दरवाजे पर मेट्रो ला कर दी थी, हर दरवाजे पर। शाहीन बाग ले लीजिए आप, भटला हाउस ले, जामिया नगर ले लीजिए, ओखला विहार ले लीजिए, हर जगह हमने मेट्रो के गेट उतार दिए हैं। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन बंद था, पाबंदी थी, हमने यहाँ शीला दीक्षित के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, संदीप दीक्षित के, उन्होंने वो काम किए। 400 करोड़ रुपए से ऊपर शीला जी ने इस विधानसभा को दिया, जाकिर नगर को दिया, अबुल फजल को दिया, शाहीन बाग को दिया, लेकिन हमारा जो MLA ना, उसे काम करने का शऊर नहीं है, उसे ये पता नहीं है क्या होता है। जो काम पहले होना चाहिए वो बाद में करवा रहा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 2013 में जगह मैंने हैंड ओवर करवाई थी संदीप दीक्षित ने, वो काम अब शुरू हो रहा है। आउटफॉल के नाले बनने थे, पंप हाउस बनने थे, पानी जाएगा कहाँ ये इलाके का? पानी की लाइन डाल दी, आप पूछिए आवाम से जाकर, क्या पानी आया? एक एक सीवर खुदा पड़ा है, क्या सीवर बने वहाँ पर? आवाम कितनी परेशान है, जनता से आप पूछिए जाकर कि इस MLA ने क्या किया है। और जो सफाई का इंतजाम जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत सारी गलियाँ ऐसी हैं, इसको लेकर आपका आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान ये है, देखिए, अब तक कॉलोनी रेगुलराइज नहीं की दिल्ली सरकार ने, और क्योंकि अब ये सेंटर के अंडर में आ जाएगी तो हमें यार्ड स्टिक के हिसाब से कर्मचारी मिल जाएंगे। अब हम रेगुलराइज के आदमी रेगुलराइज कॉलोनी में कर्मचारी कम थे, कभी कहीं से लाते थे पकड़ के, कभी कहीं से लेके आते हैं, तो अब हमें लगता है प्रॉपर तरीके से काम होगा। एक आखिरी सवाल आपका, ये जो पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है आपने, आप ही ने बनवाया है जी, जो जिसका वो काफ़ी दिनों से मुतालबा हो रहा था जी, पर अब तक तेज चालू नहीं है, वजह इसकी? नहीं, खुल गया है, आप जाकर देखिए ना, खुला हुआ है। सिर्फ बिजली का एक कनेक्शन था, मोटर वगैरह सब लग गई है उसमें, आप देखिएगा, टंकी वंकी सब लगी हुई है। और चूंकि आचार संहिता है, इसलिए हम इसमें इनॉग्रेशन नहीं करेंगे, हमने पब्लिक के लिए खोला हुआ है। एक बात, उसकी मोटर खराब हो गई है, वो चेंज हो रही है। एक बात और भी है कि अमानतुल्लाह का एक इल्ज़ाम ये भी है कि उनके पास एक सफाई का काम है, काउंसलर हैं, और वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाते रहते हैं बार बार कि मैं वो मुझे काम करने नहीं देते या कुछ सारी चीज़ें हैं, किस नज़र से? मुझे क्या करवाते हुए मिले थे आप? हाँ, मैंने कहीं लगाई है ना आपने, मैं सीवर का काम कराता था, सीवर MLA के अंडर में, उसके काम मुझे करने पड़ते थे, नाले उसके अंडर में, जो कॉलोनी पास नहीं है, नाले उसके अंडर में, सीवर उसके अंडर में, जलबोर्ड का पानी हर जगह खराब आ रहा है,
मशीन सीवेज की मैं लेकर आता हूँ, जहाँ जगह जगह अपनी खड़ा होता हूँ, आप मुझे मिले हो, अब आपकी वीडियो मेरे पास है, जब आप तो मैं उनका काम तो मैं कर रहा हूँ ना, कूड़ा बताइए आप, अगर कहीं प्लॉट किसी जगह सड़क पर कूड़ा पड़ा हो तो मैं बताइए, घर घर मैंने गाड़ी गाड़ियाँ लगा रखी हैं कूड़े की।